Chapter 11 Biology Class 7th name is Transportation in Plants and Animals. पहले animal करेंगे. Transportation in plant and animal. देखिए जब हम transportation की बात करते हैं तो important क्या है? आपने अब तक एक चीज सीख ली, वो ये कि जो living organisms हैं इनके cells different function perform करते हैं और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑलवेज इन्हें वाटर, फूड, मिनरल्स, एयर, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है ना. फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ये तीन चीज़ें इन्हें चाहिए. और ये चीज़ें किस तरह एनिमल यानी कि मैन में, ह्यूमन में ये चीज़ें किस तरह से पहुंचती हैं ये ज़रूरी है. हमने अब तक ये देखा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और वो फूड सिंथेसाइज करते हैं. हमने ये देखा कि वो फूड को हमने इंजेस्ट किया, न्यूट्रिशन प्रोसेस हमने स्टडी किया और वो इंजेस्टन के माध्यम से आगे बढ़ा और वो स्टमक में डाइजेस्ट और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो डाइजेस्ट हुआ तो उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड सेल तक लेके गया और सेल ने फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे ब्रेक डाउन किया और यूटिलाइज किया और एनर्जी रिलीज हुई. ये हमने सारा स्टडी किया है अब तक का. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी कि अगर फूड के इनटेक के बाद स्टमक में डाइजेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ही ना हो अगर, और वो एब्जॉर्ब्ड मटीरियल अगर ट्रांसपोर्ट ही ना हो सेल्स तक, तो फिर कोई यूटिलिटी नहीं है इस प्रोसेस की. तो ट्रांसपोर्टेशन इन द एनिमल में देर इज एजेंट, इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, फर्स्ट आस्पेक्ट. देन देर विल बी अ पर्टिकुलर रूट द पाथवेज, सो सेकेंड आस्पेक्ट द पाथवेज. एंड द थर्ड आस्पेक्ट देर इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, द पंपिंग प्रोसेस. तो प्रोसेस, पाथवेज एंड एजेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ओके, सो ब्लड, आई विल डिस्कस अबाउट द ब्लड. ब्लड क्या होता है? चोट लगती है, ब्लड निकलता है, आपने देखा होगा. yes. मैं तेरा खून बहा दूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, सुना होगा फिल्मों में तो ये बहुत होता है, खून पी जाऊंगा. सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, खून है तू मेरा खून है, ये वर्ड बहुत सुना होगा, ये हमारा खून है, ये पराया खून है. फिर हॉस्पिटल में देखा होगा खून चढ़ते हुए, मंगल मिल गया है, चंद्र भी मिला है, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट कम्युनिटी को ब्लड का अल्टरनेटिव नहीं मिला है. दिस इज़ अ रीज़न कि हमें आज भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है. आई बात समझ में? यू आर नॉट हैविंग एनी अल्टरनेटिव ऑफ द ब्लड. ओके, वी आर सेंडिंग मैन टू द मंगल. ब्लड, ब्लड क्या होता है? खास तरह का फ्लड होता है. तो ये फ्लड को अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा होता है. इट्स अ प्लाज्मा. प्लाज्मा टेस्ट भी होता है एक, आपके सामने जो लाल लाल आपको दिखा ना, बस आप आंसर करिए वो प्लाज्मा है, फ्लड शेप, फ्लड. तो ब्लड भी एक ऑर्गन है. ब्लड एक ऑर्गन है ना, लिक्विड स्टेट में. yes. क्या प्रॉब्लम है? ऑर्गन बना टिश्यू से, टिश्यू बने सेल से, ब्लड भी एक ऑर्गन है. आओ प्रूफ करते हैं. ब्लड मैंने, फ्लड मैंने, प्लाज्मा, ऑर्गन कैसे सेल होने मांगते हैं आप लोग, बोलते हो सेल होते हैं. सेल प्रूव करिए. आरबीसी, रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल में पिगमेंट होता है. पिगमेंट, जो पिगमेंट, इसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन आने वाली हायर क्लासेस में बताएंगे, ये प्रोटीन होता है. ये हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो है रेड ब्लड सेल को रेड कलर, ब्लड को रेड कलर देता है. और इसमें स्ट्रॉन्ग पावर है, इसकी अफिनिटी है, इसके साथ आकर के ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन अटैच होता जाता है. तो ब्लड में इसकी मात्रा होनी बहुत ज़रूरी है. ब्लड तो मैंने प्लाज्मा, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है. अगर उसमें से मैं सारा आरबीसी खींच लूँ तो फिर वो प्लाज्मा की यूटिलिटी नहीं है. वो ब्लड यूजलेस है, क्योंकि उसमें फिर वो हेमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन पिगमेंट्स नहीं है, और फिर उनके साथ आकर के
ऑक्सीजन और ग्लूकोज अटैच नहीं होगा फिर टिश्यू टिश्यू तक कैसे पहुंचेगा। अगला प्लाज्मा में है WBC, वाइट ब्लड सेल। ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं आपकी बॉडी में कई तरह के जर्म्स अटैक करते हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स से फाइट करते हैं, तो फाइटिंग एजेंट। आप TLC टेस्ट कराते हो ना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, TLC, DLC इस तरह के टेस्ट आप कराते हो, तो वाइट ब्लड सेल की एक मात्रा है, उस रेंज से हाई भी बुरे हैं, उस रेंज से नीचे भी बुरे हैं। दे कैन फाइट टू द जर्म्स, द फाइटिंग एजेंट। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या होता है, आपको चोट लगती है, खून निकलता है, जम जाता है, देयर विल बी अ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ड्यू टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेल, तो कितने तरह के सेल थे यार, प्लेटलेट सेल हैं, WBC सेल हैं, रेड ब्लड सेल हैं, इन सेल को लेके और साथ में कुछ कंटेंट वाटर का भी होता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे। इस सेंस में ये प्लाज्मा दौड़ रहा है हर जगह और सभी का अपना अपना फंक्शन है। आई बात समझ में, क्या फंक्शन करता है ब्लड, कैसे फंक्शन करता है ब्लड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लड को आकर के मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके थ्रू आया, लंग्स, और लंग्स ने ऑक्सीजन कहां से लिया था, विंड पाइप ट्रैकिया, विंड पाइप, और विंड पाइप में कहां से आया, नेसल पैसेज, और नेसल पैसेज में किधर से आया, नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स से नेसल पैसेज से विंड पाइप से ट्रैकिया, मैंने कि विंड पाइप मैंने फेरिंग्स से ट्रैकिया से लंग्स में ऑक्सीजन है, वो लंग्स से वो ऑक्सीजन लिया ब्लड ने, है ना। तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, तो ब्लड की एक खासियत है कि इसमें ऑक्सीजन आता है, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ब्लड आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, सेल को ऑक्सीजन, लेकिन आपके सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था और ब्रेकडाउन में एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना था, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ वेस्ट, तो वो वेस्ट भी तो आपको निकालना है ना, तो वो वेस्ट वापस आता है, ब्लड उस वेस्ट को क्या करता है, ला के लंग्स को देता है, और लंग्स उस वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एक्सहेल हो जाता है। आई बात समझ में, तो दो चीज़ें तो क्लियर हैं कि पूरी बॉडी में इस तरह से वर्क परफॉर्म हो रहा है, और वो वर्क ये है, ब्लड एंड सेल के बीच में एक रिलेशन बना है, ब्लड से सेल को क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, और सेल से ब्लड को क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए देयर आर टू टाइप ऑफ वेसल्स ना, पूरा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इट्स काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स, बट वेसल्स आर ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप। एक वेसल जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लाके ब्लड को देती है, है ना, जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर के जा रहा है, That vessel is called the veins. और वो vessels जो cell तक oxygen पहुँचा रही हैं, blood जिन vessels में flow करके cell तक oxygen पहुँचा रहा है, उनको हम क्या कहते हैं, arteries। मतलब मुद्दे की बात यह है कि पूरी body में एक circulation network बना हुआ है, वो circulation network blood vessels का है, और blood vessels के दो distinct वर्जन्स हैं। एक वर्जन वो है जिसमें वो ब्लड फ्लो कर रहा है जो ब्लड सेल से होकर के सारा वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आ रहा है, और इसे हम कहते हैं वेन्स। और एक वेसल्स का नेटवर्क वो है जिसमें ब्लड फ्लो करके सेल्स तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर के जा रहा है, इसे हम कहते हैं आर्टरीज।
तो आप आज के बाद एक बात याद रखिएगा कि इम्प्योर ब्लड किस में होता है, वेन्स में, और प्योर ब्लड किस में होता है, आर्टरीज में। क्लियर है कहानी? अब यहाँ पर मुद्दे की कहानी क्या आती है, मुद्दा क्या आता है, मुद्दा ये आता है कि लुक एट द बॉडी, एक एक सेल तक, एक एक सेल तक सारा का सारा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज पहुंच रहा है, और एक एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ऑक्सीजन इनहेल करके एक एक सेल तक जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक एक सेल से आके एक्सहेल हो रहा है। आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट तो होगा बॉडी में जो पंप करता है ब्लड को। नेचुरल फ्लो विल नॉट, इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन वो पंप जो है गॉड ने एक अजीब पोजीशन पे दिया है, दैट इज़ क्लोज टू द ब्रेन। हाइट पे पंप रखा गया है क्योंकि अपोज द ग्रेविटी वर्क करना है। अगर वो पंप यहाँ मिड पोजीशन पे रखते बॉडी के, तो फिर लोअर बॉडी पार्ट में तो ब्लड फ्लो करता, लेकिन अपर बॉडी ब्रेन में सप्लाई उस लेवल पे नहीं मिल पाता, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको वर्क करना पड़ता, इसलिए इसको अपराइट पोजीशन में रखा गया है। ये पहली बात। ये एक ऐसा पंप है जो हर वक्त चलता है जैसे सांसें चलती हैं, और ये एक ऐसा पंप है जो सारी ज़िंदगी चलता है जैसे सांसें चलती हैं। ये पंप कभी बंद नहीं हुआ, जिस दिन ये पंप बंद हो गया उस दिन पंपो पंप हो जाएगा काम। समझ आ गई? एंड एल जीवन लीला संपन्न है। ओके, पंप कैसे कार्य करता है इसको समझना जरूरी है। इसके लिए पहले अब आपको ये एक चीज़ दिखा दूं मैं, आप ध्यान से देखिए। ये फिगर में जो नीली ब्लू कलर की वेसल्स, ये वेन्स हैं, और रेड कलर की वेसल्स ये आर्टरीज हैं। ब्लू वेसल्स जो इम्प्योर ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर के आ रही हैं, और रेड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर के आ रही है, जा रही हैं। अब इसमें आज मैं आपको एक बात बता दूं, हम कुछ अलग अलग वर्ड यूज़ करेंगे अब आगे आगे, जो मेडिकली ज़्यादा करेक्ट वर्ड्स हैं, हम ये वर्ड अब यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। द हार्ट फंक्शनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हार्ट कहाँ है, यहाँ पर, और लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है। आप अपनी फिस्ट बनाइए तो हार्ट बन जाता है। हार्ट लेफ्ट साइड पे है, लेकिन दो तरह के ब्लड हैं हार्ट में साइमल्टेनियसली, दो तरह के ब्लड साइमल्टेनियसली है ना, एक वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, और एक वो ब्लड जो फ्रेश दैट इज़ ऑक्सीजन रिच। दोनों ब्लड्स अगर मिक्स हो गए तो फिर व्हाट इज़ द यूटिलिटी, तो कलेप्स हो जाएगा सारा फंक्शन। तो ये मिक्स कभी नहीं होने चाहिए, इसलिए देर आर डिफरेंट चैम्बर्स इन द हार्ट। देर आर टोटल फोर चैम्बर्स इन द हार्ट। हार्ट इज अ फोर चैम्बर, और हर चैम्बर में बहुत ही यूनिक वॉल्व सिस्टम यूज हुआ है। वॉल्व्स आई विल एक्सप्लेन यू, हायर क्लासेस में हम सारा पढ़ेंगे, आज की क्लास के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं। आइए मैं आपको सारा कंसेप्ट सिखाता हूँ इसके बारे में। मैंने माइक के क्लोज उस दिन बुक की थी, तो आवाज़ साँ साँ करने लगी थी, आपने नोटिस की होगी ये चीज़, इस वजह से मैं माइक को रेज करने जा रहा हूँ। ओके, मैं बोलूँगा स्लो, अब समझते हैं चीज़ों को। देखिए सभी अच्छे से देखिएगा, ये हार्ट को देखिए, देखिए ये 1 2 3, इसे कहते हैं एओर्टा, aorta, एओर्टा, ये ध्यान में रखना आपने। देखिए ये 1 2 1 2 एंड ये, इन्हें कहते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिए, देर आर फोर चैम्बर्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज द हार्ट। को हमेशा ऐसे समझना है, बुक को सामने रख के मत देखना, बुक को इधर रख लेना। दिस इज द राइट चैम्बर, दिस इज द राइट चैम्बर, दिस इज द लेफ्ट चैम्बर, और राइट एंड लेफ्ट चैम्बर के बीच में दिस इज द डिवीजन। तो राइट एंड लेफ्ट चैम्बर भी आपस में मिक्स नहीं होते,
आगे जाके पढ़ाऊंगा सेप्टल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन अगली क्लासेस में। इसके अलावा एक और डिवीजन है वर्टिकल, दिस डिवीजन, ये अपर राइट चैम्बर एंड अपर लेफ्ट चैम्बर, ये लोअर राइट चैम्बर, ये लोअर लेफ्ट चैम्बर। अपर चैम्बर या राइट या लेफ्ट जो भी है, इसको क्या कहते हैं, एट्रियम, एट्रियम। और लोअर चैम्बर चाहे राइट या लेफ्ट है, इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड सेल्स से होके आया उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, एज अ वेस्ट उसने ले लिया, जो सारे सेल से होकर के आ रहा है ब्लड, इसको अब ऐसे कहो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मत कहो, इसको आप कहो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा डिप्लीटेड है, तो इट इज़ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से एंटर होता है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से एंटर होता है, वेना कावा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से एंटर होता है, और एंटर होकर के सबसे पहले ये जाता है राइट राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम, लुक एट दिस, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद जाता है ये राइट अपर एट्रियम के बाद ये राइट वेंट्रिकल, और लुक एट दिस, दिस इज द वॉल, वॉल्स हम पढ़ेंगे, ट्रस्कैपेड वॉल्स, इस तरह के वॉल्स हम सारे पढ़ेंगे, दिस इज द वॉल। व्हाई वॉल, कहीं रिवर्ट ना चला जाए, फॉल बैक ना कर जाए, तो वॉल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से निकल के ये इस तरह से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। अब आपको एक बात समझाता हूँ, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था कि इम्प्योर ब्लड वेन्स में होता है, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में होता है, ये थ्योरी भी सही है, और एक नई थ्योरी और सीख लो, हार्ट से जब भी ब्लड जाएगा, हार्ट से जब भी ब्लड जाएगा आर्टरी के थ्रू ही जाएगा, हार्ट को जब भी ब्लड आएगा वेन के थ्रू ही आएगा, बस ये कभी नहीं भूलना। अब बस इशू इतना सा है, हार्ट के थ्रू जब सेल्स को ब्लड जाएगा, हार्ट के थ्रू जब सेल्स को ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वो भी आर्टरी है, लेकिन हार्ट के थ्रू जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जाएगा, क्योंकि एक्सहेल करना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना है ना, ये भी आर्टरी है, लेकिन लंग्स की बात हो रही है तो पल्मोनरी, इट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट के थ्रू जब भी ब्लड जाएगा उस वेसल को क्या कहेंगे, आर्टरी, बस दैट्स इट। क्लियर एस्पेक्ट? अब आइए समझते हैं, और हार्ट में जब भी ब्लड आएगा उसे क्या कहेंगे, वेन्स। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकला तो कहाँ गया, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाके ये दोनों लंग्स में जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगा, ब्लड प्योर हो गया ना यार, क्योंकि वही ब्लड फिर क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा ना, ब्लड तो नहीं बदलते ना बार बार शरीर का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही बदलते हो। अब लंग्स कहेंगे भाई हो गया सेट काम, ले इनको वापस, तो अब हार्ट में लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो किन के थ्रू ऐड होगा, फोर पल्मोनरी वेन्स, लुक एट दिस, पल्मोनरी वेन्स, फोर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये हार्ट में आएगा। हार्ट में ब्लड हमेशा जो आएगा वो किसके थ्रू आता है, वेन्स, लेकिन इस बार ये लंग से आ रहा है तो ये पल्मोनरी वेन है, और ये ऑक्सीजन रिच है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ठीक है। हार्ट से लंग की तरफ जो जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लंग से हार्ट की तरफ जो आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इस बात को समझना, सेल से लग करके चलिए। अब सुन, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू सबसे पहले किधर एंटर हुआ, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम हुआ, लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर भी वॉल है, मिर्ताल वॉल, ओके। अब यहाँ से ये देखो,
ये यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, ये है एओर्टा, एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू सारे शरीर में, कण कण में चला जाएगा, सेल सेल तक। इसमें घुसाते हैं स्टंट, इसमें डालते हैं स्टंट, स्टंटिंग करते हैं ना, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफियाँ चेक करते हैं जो। ये देखो कितने मोटे मोटे दो तीन मुंह दिख रहे हैं। कई बार सुनी होगा कि तीनों ही डैमेज, दो डैमेज, एक डैमेज, भाइयों बहनों, रिपीट रिपीट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से एंटर हुआ राइट एंट्रियम में, नीचे गया राइट वेंट्रिकल में, ट्रिस्कैपिड वॉल बंद, यहाँ से सीधा ऊपर और पल्मोनरी आर्टरी में, उसके वाया लंग्स, लंग्स ने कर दिया एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गेन, पल्मोनरी वेन के वाया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से सीधा एओर्टा के वाया ऊपर चला गया यहाँ पे मृताल वॉल्व। तो अब एक बात और समझ लें, आपने राइट में भी एक वॉल्व देखा, आपने लेफ्ट में भी एक वॉल्व देखा, इतना ही नहीं था, जब एट्रियम से वेंट्रिकल तक जाए तब भी रिवर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक जाएगा तब भी तो रिवर्स नहीं आना चाहिए ना। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी वॉल होता है। इसी तरह से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ जाए तब भी तो वापस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे एओर्टल वॉल होता है। तो राइट साइड पे भी दो वॉल्व हैं और लेफ्ट साइड में भी दो वॉल्व हैं, टोटल चार वॉल्व, चार चैम्बर, और इन चैम्बर्स को कवर कर रखा है एक मस्कुलर लेयर ने, जो क्या कराती है, थंप, जो क्या कराती है, बीटिंग। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है, रिलैक्स। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया चलती है, ओके? जब आपका हार्ट बीट करता है ना तो क्या होता है जानते हो, हार्ट बीट ब्लड में पल्स सेंड करता है, ब्लड में पल्स सेंड करता है, और वो पल्स आप अपनी नर्व्स के थ्रू, इंडेक्स और मिडल फिंगर के थ्रू, यू कैन चेक पल्स ओवर हेयर, फिस्ट अच्छे से बांधो, यू विल फील द पल्स, पल्स पल्स, देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ पल्सेस। तो जब हार्ट बीट ने ही पल्स सेंड की है सिग्नल, तो ये पल्स को आप काउंट करते हो, तो आप हार्ट बीट काउंट कर लेते हो ना, तो एक मिनट में कितना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दिस इज बीट, एक मिनट में कितना पल्स।